सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट्रेट की प्रोडक्ट ऑफलाइन कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई तू ड्राइंग कैसे करता है और उनसे तो ये सब होता ही नहीं है, तो हमें भी ड्राइंग करना सिखा दे। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी किसको कैसे सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि पोर्ट्रेट की ऑफलाइन कैसे करते हैं। तो चलो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो ऐसे ही डालता रहता हूँ। तो गाइस, अगर आपको अपना पोर्ट्रेट अच्छे से बनाए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जरूरी नहीं है कि आपको यही काम करना है। तो मैं अपनी पोर्ट्रेट मैकेनिकल पेंसिल से पोर्ट्रेट का ऑफलाइन करता हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपने वो मैंने सीखी है, जिसे आपको बार बार जैसे आप कोई पेंसिल लेते हो उसे बार बार शार्प शार्प करते हो तो आपको शार्प नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि पोर्ट्रेट बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप है कि जब आइज बनाते हैं तो हमें क्या करना है, सीधी जिस डायरेक्शन में जो आंखें जा रही हैं उसी डायरेक्शन में दो लाइन लगा लेनी है, उसकी चौड़ाई और मोटाई के हिसाब से। जैसे मैं अभी लगा देता हूँ। तो गाइस, मैंने दो लाइनें खींच दी हैं। तो अभी हम आईज को बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि आईज थोड़ी सिंपल सी हैं। तो चलो पहले हम इसको कर देते हैं ड्रॉ। अभी जैसे मैंने ये दो लाइनें खींची हैं, आपको तो वैसे ही करना है। पहले आउटलाइन खींचनी है पोर्ट्रेट बनाने से पहले, तो फिर आईज को बनाना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि आपकी आईज बिल्कुल एक्यूरेट और उन चौड़ाई चौड़ाई की बनेगी। तो चलो अभी हम पहले आईज को अपडेट करें। आपको आइस को बिल्कुल बारीक से देखना होगा। लोग क्या करते हैं, मुझे बना के करते हैं टाइम सब ज़्यादा। तो अगर आप जैसे देखने जाते हैं तो उसके टाइम देखती है। तो मैं आपको तरीका बताऊँगा, बिल्कुल ईजी तरीका है। कोई नहीं है कि आप मेरे कोई मेरे साथ से हो सकता है, मैं ऐसे अपने हमारी फर्स्ट टाइम से बनती है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, जैसे कि हमारे यहाँ आई जैसे यहाँ बना लिया है, हम लोग यहाँ आया है इस हिसाब से यहाँ बनाना है। अब दूसरा शेडो का निशान लगा देता हूँ। तो अब आइस का बॉक्स आप देख सकते हो कि जितना ही आइस का बॉक्स है उतना ही लगाना है आपको। तो हमने लगा दिया है, तो उसी हिसाब से दूसरी आइस भी बना लेनी है। वैसे तरीका मेरे टीचर ने मुझे बताया था, जो कि मेरे ड्राइंग के टीचर है।
भाई तुम्हारी टीम का आई आउट है आई से आई टाइम पे किया और ये तो कहना है नोट क्या होता है तो नोट तो आप ध्यान से देखिए कि जो नोट की जो साइड रहने पर किसी चीज़ चाहे तो उसमें लगा दीजिए ठीक है लगा दीजिए अब कितना का है पैरा उसके हिसाब से आपको नोट ग्रो करनी है तो हम ग्रो कर लेंगे ठीक है अब ग्रो करने से पहले आपको करना है कि मोटाई आ रही है उसके हिसाब से जो लाइन आउटलाइन लगा लेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी पोस्टर बनाने में और आउटलाइन करने में क्या अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे मैं पहले ऐसे ही बनाता क्योंकि अभी तो मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है अभी मुझे बना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अब हम इसको करेंगे तो इसमें थोड़ी स्माइल दिखाई गई है तो हम पहले जैसे हमने नाक का किया था उसका वैसे हमें इसका भी अच्छी था तो लिप हमारे यहाँ तक आ रही है तो वैसे फिर गया कि लाइन लगा लेंगे तीनों लाइन लगाने के बाद तैयार है नीचे वाले बनाना शुरू करते हैं हम इसे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि बहुत किस तरह मुड़े हुए हैं उसी हिसाब से हम आउटलाइन करेंगे हम नीचे का और नहीं अब हम इसके टीथ बनाएंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से
तो हमारे टीथ भी अभी बन चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे आईब्रो। इसके लिए भी हम यही स्टेप करेंगे, सेम स्टेप जैसे हमने लिप्स में, नोज में और आईज में किया था, ऐसे हम आउटलाइन कर लेंगे सीधा। यहाँ तक आ रहे हैं तो भैया निशान लगा देंगे, निशान लगाने के बाद दूसरी जगह भी ऐसे निशान लगा देंगे। अब बनाना शुरू कर देंगे हम, लेकिन उससे पहले हम ये बनाए थे, तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो आप भी बना लोगे। तो आइस की चलो अब हम आउटलाइन करते हैं आईब्रो की। तो गाइस आईब्रो की आउटलाइन भी हो चुकी है, तब हम जो स्माइल के पास होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये वेरी सिंपल स्टेप्स है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कभी भी ड्राइंग लाइन नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी ड्राइंग इंप्रूव होगी। जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप कोई ड्राइंग या पोर्ट्रेट बना पाओगे। तो अभी हमने जो यह लाइनें ड्रॉ की थी, हम पहले इसको रफ कर लेते हैं इरेजर के साथ। तो अभी हमने ये सब रफ कर दिया है, तो हम फेस की आउटलाइन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो आईब्रो के पास जितना गैप है उसी हिसाब से आपको आउटलाइन कर लेनी है, और जो स्माइल के पास भी बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है। जैसे इस तरफ किया वैसे इसी तरफ करना है आपको। तो गाइस अभी हमने फेस की नीचे वाले से आउटलाइन कंप्लीट कर लिया, तो अब हम फोरहेड की आउटलाइन करेंगे। तो चलो अभी हम फोरहेड के आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं। तो जितना गैप फोरहेड के बीच है उतने गैप आपको ले लेना है सिंपली, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपली ले लिया मैंने। जो हेयर है वो तो आप आसानी बहुत बढ़िया आसानी से कर सकते हो। तो सी इज वेरी वेरी सिंपल था। तो चलो अभी हम ईयर का करते हैं, तो ईयर हमारे थोड़ी आँख से थोड़ी सी नीचे आ रहे हैं, तो अभी हम इसे तो करते हैं। तो आप को एक बात जरूर में ध्यान रखनी है, जो किसी भी कोई भी हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनके जो ईयर्स होते हैं
ज्यादातर आई से लेकर लिप्स तक ही होती हैं ज्यादातर। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि हमारे लिए जो हमारा ईयर है वो सही बनाया नहीं, जो उसकी जगह है वो सही है या नहीं। तो हमारे ईयर भी वेरी इजली बन चुके हैं, तो दूसरे ईयर का कर लेते हैं। वैसे यही होगा, अब जैसे अभी हमने सब किया तो यार बिल्कुल हल्की सी आउटलाइन कर लेनी है, ठीक है। करने के बाद यहाँ से शुरू कर देना है। सॉरी माय मिस्टेक। तो हमारे दोनों ईयर्स भी बन चुके हैं, तो बाकी जो बचा है उसे भी पूरा कर लेते हैं। ईयर तो वेरी इजीली बन जाते हैं। सी तो हमारा फेस बिल्कुल एक्यूरेट बना है। तो अभी हम नेक, वैसे नेक ऐसे है नहीं है तो हम वैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा फेस बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है। तो गाइस जैसा कि अभी आप आंसू ने देखा कि हमने फेस किस तरह से बनाया है, जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी ड्राइंग में जरूर इम्प्रूवमेंट होगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर ऐसे सर्च करते रहते हैं कि ड्राइंग कैसे अच्छी लगती है, ड्राइंग कैसे अच्छी लगती है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उसी से आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। तो अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो प्लीज़ उससे आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। तो अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे कॉमेंट कर देना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम मेहनत जो करते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको सब्सक्राइब तो करना है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।